हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता होम्योपैथ। आज एक जनरल सी बात करूंगा। किसी ने कहा है, श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसके अंदर कोई चाह न हो, ऐसा भी कोई संत नहीं है। और यह मन की चाह ही हमसे अच्छे और बुरे कर्म करवाती है। जब हमको कोई अच्छे काम करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा ही मिलता है। दोस्तों, यदि हमें अच्छे कामों को करना चाहिए और सफलता पानी है तो हमें परिश्रम से कार्य करना चाहिए, और सफलता पाने के लिए हमें परिश्रम के साथ साथ प्रभु की कृपा की भी जरूरत पड़ती है। और यदि हमें भगवान की कृपा हो जाए और सद्बुद्धि मिल जाए तो हम अच्छे कर्म ही करेंगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभु की कृपा पाने के लिए उसमें एक ही सूत्र है कि कृष्ण जी को यदि अगर हम भजते हैं तो उनकी कृपा थोड़ा देर में मिलती है, और यदि हम गुरु जी कहते हैं कि राधा जी का नाम जप करेंगे तो चले आएंगे बिहारी, जपो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा जी को जपेंगे तो बिहारी जी आएंगे और हमें सफलता मिलेगी उनकी कृपा मिलने पर। हमें फिर उसके साथ साथ परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम से जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है।